नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लिस्टर का फुल फिटिंग दिखाएंगे। इसमें एलपी है, नॉजल प्लंजर है, कैम साफ्ट है और भी बहुत कुछ। इसमें ठंड में स्टार्टिंग नहीं ले रहा था ठीक से, डीजल माइलेज ज़्यादा खा रहा था, इसीलिए मैंने खोला। तो चलो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा इंजन खुला हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं लाइनर से। तो लाइनर को देखिए, ये हमें निकालना है। थोड़ा हम आपको शॉर्ट में दिखाएंगे। अगर पूरा लाइनर निकालने का वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूंगा, हम कमेंट में डालिए। तो मैंने थोड़ा ये निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे उल्टा की तरफ रख के इसको ठोंकते हैं। अब देखिए, ऐसे पिस्टन की गजन पिन से आप इसे ठोंक सकते हैं। हल्का हल्का ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है। इसके लिए स्पेशल वीडियो अगर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि हमारे पास इसका भी रिकॉर्डिंग है, वीडियो लंबा होने की वजह से पूरा वीडियो मैंने नहीं लगाया इसमें। किसी लोहे की छड़ी से आप ऐसे निकाल सकते हो। और आप देख सकते हैं आपका ये निकल आया है। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। लाइनर के होल को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। क्योंकि इसी जगह से वाटर लाग इस पर रबड़ होती हैं। और ऊपर ये गैस्केट साइड पूरा साफ कर लीजिए रिंग की सहायता से। ये साफ हो चुका है। आज में इसकी जहाँ पे लाइनर होल में इसका हल्का हल्का ग्रीस लगा दीजिए, ताकि कहीं पे लाइनर आपका अटके नहीं। नया लाइनर होता है थोड़ा मुलायम और फिक्स होता है, तो हल्का हल्का ग्रीस कोर में लगा दीजिए। चलो लाइनर में भी इसका वाटर लॉक इसमें लगा लेते हैं, ग्रीस भी थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं। हल्का हल्का रबड़ में लगा लीजिए, ताकि आपका बराबर स्टेप पूरा कवर कर ले, चढ़ाने में दिक्कत ना आए। दोनों में थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा के ये आपका दोनों लाइन वाटर लॉक भी बोलते हैं, लाइनर रबड़ भी बोलते हैं। इनमें हल्का ग्रीस पूरा पूरा लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा। ग्रीस तो लग गई आपकी, चलो अब इसे सेट करते हैं। अब देखिए सीधा लाइनर इसमें आप सेट कर दीजिए। ग्रीस देखो दोनों तरफ लगी हुई है। ये आपका बैठ गया। थोड़ा इसे पुराना लाइनर रख के इस पर हल्का सी चोट लगा देते हैं, बैठ जाएगा। हल्के हल्के इस पर हल्की चोट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो पुराना ही है। आपका ये लाइनर आपका फिक्स हो चुका है। आप इसकी कोर देख सकते हो, आप अब ये जगह पे आ चुका है। अब चलो पहले कैम साफ्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर ऊपर को बांधना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें फ्यूल कैम भी बदला था, तो आप देख सकते हैं। फ्यूल कैम निकाल के आपको हम नया फ्यूल कैम सेट करते हैं। हल्का हल्का किसी नोकदार कील से आप इसे निकाल सकते हैं। इसमें भी ये डीजल थोड़ा ज़्यादा खा रहा था। डीजल की खपत यहाँ से भी होने लगती है और स्टार्टिंग की समस्या भी आ सकती है। तो इसे पुराना निकाल के यहाँ पे नया बदला जाएगा। ये आपका पुराना फ्यूल कैम निकल चुका है, अभी नया फ्यूल कैम हम लाए हैं, इसे हम फिट करते हैं। इसका भी मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखा है, आपको चाहिएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कौन सी गुल्ली किस तरफ आपको रखनी है, क्या करना है,
वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने थोड़े थोड़े कुछ शॉर्ट्स इसमें कम कर दिए हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। ये देखो ये फ्यूल कैम का जो पार्ट उठा वाला होता है वो अंदर साइड में रहता है और इसका बाहरी साइड आप देख सकते हैं, इस टाइप से इसको लगाते हैं। जो पतला हिस्सा होता है बाहरी जगह साइड की तरफ होता है, बहुत टाइट होता है इसे, आप देख सकते हैं कौन कौन से जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। अब ये जो ऊपर की नोक तरफ उसी तरफ से आपको ये पिन लगानी है। अब देखिए सिस्टम पूरा काम कर रहा है, पिन ऊपर से ही आपको ठोकनी इसी तरफ से। ये आपका फ्यूल कैम सेट हो गया है, आप देख सकते हैं, इतना टाइट कर दीजिए कि अपने आप से न खुल पाए। तो चलो ये तो आपका फिट हो गया, इसमें इसका कैम सॉफ्ट सेट कर देते हैं। इसका अगर टाइमिंग का वीडियो हमारे चैनल बॉक्स में पहले से ही मौजूद है, तभी मैंने इसमें टाइमिंग सेटिंग करने के लिए आपका वीडियो नहीं बनाया। तो आप ये आप सेट कर दीजिए टाइमिंग के लिए, अगर वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल के बॉक्स में जाइए, मैं आपको आई बटन में भी इसका वीडियो दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो पंप प्लेट को आसानी से कैसे सेट करें आप देख सकते हैं, नीचे हम ऑयल पुश रॉड को लगा रखे हैं ऑयल पंप में अटकने के लिए, और ये हैंडल जो जिससे हम बंद करते वो अटक रहा है। ये आपका ये ऑयल पंप में ये फावड़ी जो बोलते हैं ये अटक जाती है, तो इससे अब कैसे रोकते हैं ये आप देख सकते हैं। ये आपकी पंप प्लेट ये टाइम केम साफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो पिस्टन को बांध लेते हैं, कनेक्टर में थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा लेते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। इसमें पिस्टन लॉक लगा लीजिए, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ग्रीस हर जगह पे होना चाहिए। और ये आपका दूसरा ये पिस्टन लॉक इसे भी लगा लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि इनको अच्छी तरह फांसने से आपको आगे का समय में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये निकलने से लाइनर भी बेकार हो जाता है और ये पिस्टन भी बेकार हो जाता है, तो इन्हें आप अच्छी तरह लगाएं। तो आपका पिस्टन तो फिट हो चुका है, अब इसका सीआर बुश भी चेंज कर देते हैं। सीआर बुश जो ऊपर साइड में लगा होता है उसमें जो दो सुराख होते हैं, जो नीचे साइड में सीआर बुश लगा होता है उसमें सिंगल सुराख होता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दो सुराख वाला सीआर बुश है, तो इसमें ये डबल सुराख होते हैं और जो ऊपर नीचे की तरफ लगेगा वो सिंगल सुराख में। तो चलो आपको ये पिस्टन मैंने बांध लिया है, अब सारी रिंगों के कट इधर से उधर आपको रखने हैं। देखिए मैं सारी रिंगों के कट इधर से उधर करके दे रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ ये सारे कट रखने से नुकसान भी हो सकता है, स्टार्टिंग भी नहीं लेगा टाइम से, माइलेज भी नहीं अच्छा देगा, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। सारे कट इधर से उधर कर दिए गए हैं, तो चलो रिंग को लाइनर में फिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक को आसानी से लाइए, ये आपका ब्लॉक आसानी से आ गया है। चलो रिंग को सेट करते हैं लाइनर में, किसी पेचकस की मदद से आप हल्का हल्का इधर उधर दाब के आप इसमें लाइनर में फिट करते हैं, क्योंकि ये देसी जुगाड़ में बता रहा हूँ, हमारे पास ये इसका रिंग चढ़ाने वाला डाई तो है नहीं, तो पेचकस की ही मदद से पूरा रिंग हमें चढ़ानी है। आप देख सकते हैं ये लास्ट ये स्प्रिंग वाला रिंग है, इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, इसमें ज़्यादा दाब लगाने से रिंग टूट जाती है, तो थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के दाब लगाएँ।
अब हल्का हिला के आ गया। अब ये नीचे वाला ये रिंग भी, ये तो ठोस होता है, इसे इसमें भी हल्का एडजस्ट करके इसे भी बैठा लीजिए, बैठ जाएगा। रिंग पेचकस की सहायता से सारी रिंगें आपकी अंदर हो चुकी हैं। ये लास्ट वाली बची है, ये भी आपकी अंदर जा रही है। ये ऑयल रिंग बोलते हैं इसे। और तीन इसमें होती हैं जो कंप्रेसर रिंग होती हैं, वो स्टार्टिंग के लिए होती हैं। ये मोबिल लाइनर में लाने और ले जाने का काम करती हैं। ये आपका रिंग थोड़ा टाइट पड़ रहा है, अभी देखिए आ गया रिंग। रिंग आपकी आ गई है, ये देखो आपकी रिंग आ गई है। आप देख सकते हैं आपका रिंग पिस्टन बॉडी पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलो हेड को टाइट करते हैं। हेड को अच्छी तरह आप टाइट कर लीजिए। थोड़ा कैमरा बंद करते हैं, फिर टाइट करके आपको दिखाते हैं। आपका हेड टाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हाफ इंजन आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें नॉजल प्लंजर एडजस्टमेंट रह गया है, तो आप पहले पुशरॉड इसे कंप्लीट करते हैं। छोटा पुशरॉड साइलेंसर की तरफ रहता है, बड़ा पुशरॉड एयर क्लीनर की तरफ रहता है। अब चिड़िया भी इसे लगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये आपकी चिड़िया भी फिट हो चुकी हैं, इनमें बोल्ट भी लगा देते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम 2 दिन हमें इसे लगे बनाने में। ऑयल भी डालते हैं नीचे का सारा कंप्लीट करके, फिर आपको नोजल प्लंजर एडजस्टमेंट भी साथ में दिखाते हैं, फिर स्टार्टिंग के साथ। तो चलो प्लंजर में हल्का हल्का ये धागा लगा लेते हैं, ताकि ये पंप नीचे की तरफ डीजल ना निकाले। ये डीजल अगर यहाँ से निकलता है तो आपके मोबाइल में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इतना लगा दीजिए ताकि नीचे की तरफ डीजल ना जाए। आप देख सकते हैं ये प्लंजर का जो इसमें कट होता है वो इसी सुराख के सामने रहना चाहिए, आप देख रहे हैं। ये अब इस बोल्ट में उसी उस पेच को लगा देते हैं, ताकि प्लंजर इधर उधर घूम ना पाए। डीवी, इसका डीवी 342 नंबर होता है, नया सब लाए हैं। इस मेन बोल्ट को ऊपर से लगा देते हैं, फिर नीचे चलते हैं। ये आपको पंप रॉड और गरौरी में आपको क्या देखना है, इसमें एक पॉइंट बना होता है, देखिए। और गरौरी में भी एक पॉइंट बना होता है, शायद यहाँ से नहीं दिख रहा हो। तो आपको गरौरी फिट करने के बाद, अभी मैं आपको बता रहा हूँ गरौरी फिट करने के बाद क्या आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा गरारी फिट होने के बाद में आपको तीन कट इधर उधर दांतवा निकल लाने चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा फिट है। गरारी कैप के बाद में स्प्रिंग डालते हैं। ये प्लंजर कट, इसको प्लंजर कट को कहाँ से रखना है, आपको इधर को रखना है, जैसे आप देख रहे हैं इस सुराख की तरफ। अब ये प्लंजर मक्खी भी लगा दीजिए, मक्खी बोलते हैं हमारे यहाँ। ये पंप कैप, ये पिस्टन, ये लॉक है, पंप लॉक। आपका पंप कंप्लीट हो गया, चलो इसे सेट करते हैं। इसका ठोकर एडजस्टमेंट के लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, आप वहाँ देख सकते हैं। हो सकता है हमारे आई बटन में भी आपको यहाँ पे मिल जाए, मगर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका ये पंप यहाँ पे सेट हो चुका है, आप देखिए हमारा ये पंप सिस्टम काम कर रहा है। ऑन ऑफ करके ज़रूर देख लीजिए पंप, जब डीजल उठाने के बाद तेल को ऑफ और ऑन करके देख लेना चाहिए। अब चलो नोजल को देखते हैं कैसे क्या इसका परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये भी नया हम लाए थे।
खुद ये देख लीजिए, अब वो अपना काम, ये देखिए कितना अच्छा ये फवारा ये इसका बनाएगा, उतना अच्छा आपका इंजन माइलेज देगा, आप देख सकते हैं। यही एडजस्टिंग करनी पड़ती है, इससे ही हमारा ये होता है। चलो इसे सेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा इंजन पूरा कंप्लीट होने वाला ही है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कोई आपका साथी अगर इस जगह पे फंसा हुआ है तो उसे चैनल को इसको शेयर करें। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या अच्छा क्या क्या ख़राब है। देख सकते हैं मैंने इंजन फिट किया है पूरा, एक ही हैंडल में स्टार्ट हुआ है। इसकी आवाज़ भी आप देख सकते हैं, अच्छा चल रहा है। हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखें, अभी मैं थोड़ा आपको लोड भी रख के दिखाता हूँ। व्हील में आप घंटी लगा के देख लीजिए कि आपको धुआं कहीं नहीं दिखाई देगा। इंजन थोड़ा लोड तो बता रहा है, वो तो बताएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।